हम स्टूडेंट्स uh, बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की तो आइए अब अगली दो टाइप्स देखते हैं कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की क्या तो जो फर्स्ट टाइप है उसको जो क्या एक्जैक्टली uh, exactly, जो है वो सेकंड टाइप है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की वो है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्लान है जिसमें आपके पास ग्रुप ए की है मगर आप उसकी एक प्री टेस्ट असमेंट करते हैं उसके बाद आप अपनी इंटरवेंशन कंडक्ट करते हैं या ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आप एक पोस्ट टेस्ट असमेंट करते हैं तो इस तरह से हम इसको जो है मैं दो रीडिंग्स कलेक्ट करते हैं एक बिफोर द इंटरवेंशन और एक आफ्टर द इंटरवेंशन बस हमारे पास इसमें ग्रुप ए ही रहता है तो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जो कि एक टीम लीडर है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सॉफ्ट स्किल्स इन द इम्प्लाइज तो उसने जो है क्या किया कि पहले एक ग्रुप सेलेक्ट किया उसके बाद उनका लेवल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स को चेक किया फिर उसने उसके बाद जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की ट्रेनिंग कंडक्ट करने के बाद फिर उसने देखा कि उनकी सॉफ्ट स्किल्स का लेवल क्या है तो अब वो कंपेयर कर सकता है प्री टेस्ट को पोस्ट टेस्ट के साथ तो और उसमें देख सकता है कि उनकी सॉफ्ट स्किल के लेवल में कितना चेंज आया है तो ये एक तरह से एक बेहतर डिज़ाइन है अगर हम इसको बेसिक जो हमारा डिज़ाइन था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन उससे कंपेयर करें तो इसके बाद हमारा जो शेक थर्ड जो है प्री एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिज़ाइन है वो है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन इसमें आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं नॉन रैंडम बेसिस पे जिसमें एक के ऊपर इंटरवेंशन परफॉर्म होती है और दूसरे के ऊपर इंटरवेंशन परफॉर्म नहीं होती मगर इसमें जो है आपके पास कोई जो है ट्रीटमेंट आपने एक ही दफ़ा दिया होता है एक ग्रुप को और आपके पास कोई प्री टेस्ट असेसमेंट नहीं होती तो अगर मैं उसी एग्जांपल को दोबारा आपको रिपीट करूं कि एक टीम लीडर है उसने जो देनी है सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग उसने दो ग्रुप सेलेक्ट किए एक पे इंटरवेंशन परफॉर्म की यानी उनको ट्रेनिंग दी और दूसरे पे वो ट्रेनिंग नहीं दी और आफ्टर गिविंग दम द ट्रेनिंग उसने वो दोनों जो है ग्रुप्स को कंपेयर कर लिया तो उसको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट आया जबकि उसको वो अब देख सकता है कंट्रोल ग्रुप के साथ तो ये जो है इसको हम कहते हैं स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन तो ये तीन टाइप्स जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की थी वो हमने स्टडी कर ली है